गुड आफ्टरनून प्लसन क्लास बेटा, टुडे आवर टॉपिक इज फाइलम एस्केलमेंथीज। आज हम कौन सी फाइलम पढ़ेंगे? फाइलम एस्केलमेंथीज पढ़ेंगे। और इस फाइलम में बेटा राउंड वॉर्म्स आते हैं। क्या पढ़ेंगे इस फाइलम में? हम राउंड वॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो फाइलम एस्केलमेंथीज है बेटा, इसमें जो राउंड वॉर्म्स आते हैं उनकी बॉडी कैसी है, ठीक है? बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? तो बॉडी इज सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल बॉडी है इनकी, टेपरिंग एंड है दोनों साइड से, टेपरिंग एट बोथ एंड एंड विदाउट सेगमेंटेशन। बॉडी पे कोई सेगमेंट नहीं है, विदाउट सेगमेंटेशन है इनकी बॉडी। सिमेट्री की अगर बात करें बेटा, तो ये जो वॉर्म है ये कुछ इस तरह के हैं, ठीक है? तो इनकी जो बॉडी है लॉन्गिट्यूडनली हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कैसी सिमेट्री शो करते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, जर्म लेयर्स की अगर बात करें बेटा, तो राउंड वॉर्म्स के पास थ्री जर्म लेयर्स होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या क्या है इनके पास? आउटर एक्टोडर्म, आउटर एक्टोडर्म लेयर, बीच में मीजोडर्म लेयर, एंड बेटा सबसे अंदर कौन सी लेयर? एंडोडर्म लेयर। तीन लेयर हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है? अब अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इनके पास सेल भी हैं, टिश्यू भी हैं और ऑर्गन भी हैं, लेकिन मोर देन वन ऑर्गन्स नहीं है। पूरा ऑर्गन सिस्टम ये नहीं बनाते, इसलिए इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो कैसी है? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास, सारी चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है? हेड की अगर बात करें हम, इसमें हमें कहीं हेड तो नहीं दिखाई दे रहा वॉर्म में, है ना? तो इसलिए हम क्या कहते हैं? द एंटीरियर एंड डज नॉट फॉर्म द एंटीरियर एंड, एंटीरियर मीन्स आगे वाला, द एंटीरियर एंड डज नॉट फॉर्म अ डिस्टिंक्ट हेड। क्या नहीं बनाता? हेड नहीं बनाता, ठीक है? अपेंडिक्स की बात करें बेटा, ना तो हमें इनके पास फ्लैजला दिख रही है कहीं, ना ही सीलिया है, ठीक है? और ना ही कहीं पर इनके पास लेग्स या फिट्स हैं, ना शूडोपोडिया हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, लोकोमोटरी, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट ये किसके थ्रू करेंगे? इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मूवमेंट के लिए, तो नो लोकोमोटरी अपेंडिक्स, आर प्रेजेंट इन राउंड वॉर्म्स, ठीक है? अब बेटा अगर बॉडी वॉल की बात करें, तो इनकी जो बॉडी वॉल है वो कैसी है, किस चीज से बनी है? तो जो बॉडी वॉल है इनकी, बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग
क्या है नॉन लिविंग? रजिस्टेंट नॉन लिविंग है, रजिस्टेंट क्यूटिकल है, ठीक है, एपिडर्मिस है इनके पास, और बेटा एपिडर्मिस के साथ में इनके पास मसल लेयर है। ठीक है, क्यूटिकल जो है इनकी वो चेंज हो जाती है, क्यूटिकल चेंज्ड एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम पे क्यूटिकल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है। जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस हैव कंटिन्यूअस लेयर और इसके पास बेटा क्या है, इट हैव साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है इनके पास, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म हैविंग स्कैटर्ड न्यूक्लियाई। ठीक है, लेकिन इनके पास सीलिया तो है ही नहीं मूवमेंट के लिए, तो बट ना सीलिया एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं, बट नॉट सीलिया, इनके पास सीलिया नहीं है। तो बेटा ये थिक है, ये जो लेयर है, ठीक है, इनके पास क्या है, चार लेयर हैं, ठीक है, चार कैसे हैं इनके पास, एक डोर्सल, एक वेंट्रल एंड दो लेटरल है, ठीक है, चार लेयर्स प्रेजेंट है। अब बेटा ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी कैविटी के अंदर क्या है, कॉर्ड्स हैं, ठीक है, और अगर इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट है, बिटवीन द बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट है इनके पास, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो बॉडी कैविटी है बेटा ये मीजोथीलियम टिश्यू से नहीं बनी है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, श्यूडोसिलोम कहा जाता है। कैसी सिलोम है इनके पास, श्यूडोसिलोम, श्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स सिलोम है इनके पास, ठीक है, ये क्या कंटेन करती है, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, इट कंटेन्स स्यूडो सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। स्केलेटन की अगर हम बात करें तो बेटा इनके पास मिनरलाइज्ड स्केलेटन नहीं है, मिनरलाइज्ड स्केलेटन का मतलब है कि जैसे हमारा स्केलेटन कैल्शियम फॉस्फोरस से बना है, इनका स्केलेटन उन चीजों से नहीं बना है, ठीक है, तो दे हैव नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन, इनका जो स्केलेटन है बेटा हाई फ्लूइड प्रेशर भरा हुआ है किसके अंदर, स्यूडोसिलोम के अंदर, जो क्या करता है बॉडी की शेप को मेंटेन करता है, ठीक है, तो इसलिए इनके स्केलेटन को क्या कहा जाता है, हाइड्रो स्केलेटन कहा जाता है, हाइड्रो मीन्स फ्लूइड या वाटर, हाइड्रो स्केलेटन कहते हैं, ठीक है,
मतलब स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा, तो बेटा इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा है, वन वे है। ठीक है, माउथ एज वेल एज एनस, ठीक है, कंप्लीट है इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करें रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन के लिए इनके पास ऑर्गन नहीं है, रेस्पायरेशन थ्रू बॉडी सरफेस, किसके थ्रू करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू ये रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के की बात करें, तो अनडेवलप्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम, अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड का मतलब है कि इनके पास हार्ट नहीं है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, तो जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर सर्कमफेरेंजल रिंग्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, नर्व से भेजते हैं वहां से। ठीक है, तो दे हैव सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स इनके पास क्या है बेटा, पैपिले, पैपिले और एम्फिड्स, ये इनके सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द लिप्स। ठीक है, एम्फिड्स क्या है बेटा, चीमो रिसेप्टर हैं। एम्फिड्स आर चीमो रिसेप्टर्स। कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल। ठीक है, और रिसेप्टर का मतलब है कि बाहर से जो भी सिग्नल आएगा वो आके इन रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड सेल्स हैं, ग्लैंड सेल्स और इंट्रा सेलुलर कैनाल्स। ठीक है, दोनों हैं। और ये बेटा एक्सक्रीटरी मैटर में क्या निकालते हैं, एक्सक्रीटरी मैटर इज मेनली अमोनिया। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर बेटा रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें प्रेजेंट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है बेटा कि अलग अलग बॉडी में है, सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, अब बेटा मेल एंड मेल स्मॉलर होते हैं देन फीमेल्स, मेल राउंड वॉर्म्स
आर स्मॉलर देन फीमेल्स, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। नो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। डेवलपमेंट की अगर बात करें हम, इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, लार्वे वगैरह से इनकी डेवलपमेंट नहीं होती, इनकी बॉडी की डेवलपमेंट एग से होती है। डेवलपमेंट थ्रू एग, ये एग लेइंग करते हैं और एग से इनकी डेवलपमेंट होती है। नेचुरल हिस्ट्री की बात करें बेटा, तो जो राउंड वॉर्म्स हैं, ठीक है, इनकी रेंज कितनी है, तो रेंज है इनकी लेस देन 1 माइक्रोमीटर टू मोर देन 1 मीटर, ठीक है। ये इनकी लेंथ है, इतने बड़े हो सकते हैं ये कीड़े, ठीक है। सारी जगह पे प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर, लाइक फ्रेश वाटर, लाइक फ्रेश वाटर, सी वाटर, सी वाटर कौन सा होगा, मैराइन वाटर एंड सॉयल, सारी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बेटा ये ज़्यादातर कहाँ पर मिलते हैं हमें, ये माइक्रोस्कोपिक हैं, फ्री लिविंग निमेटोड्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, पैरासाइट हैं, पैरासाइट का मतलब है डिजीज क्योज करते हैं, डिजीज क्योजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इनकी बेटा ह्यूमन होस्ट अबाउट 50 निमेटोड स्पीशीज, ह्यूमन होस्ट अबाउट 50 निमेटोड स्पीशीज जो ह्यूमन को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स में भी ये डिजीज क्योज करते हैं। स्पीशीज की अगर हम इनकी बात करें, तो इन ऑर्गेनिज्म की बेटा 90,000 स्पीशीज हैं, 90,000 स्पीशीज ऑफ निमेटोड्स, ठीक है, प्रेजेंट है। और ये जो नंबर है इनका हर साल बढ़ता रहता है, ठीक है। अब बेटा अगर इनके यूनिक फीचर्स की हम बात करें, इनके अंदर यूनिक क्या है, नया क्या है इनके फीचर्स में, अभी तक जो हमने पढ़ा उनके कंपैरिजन में, तो यूनिक फीचर्स में बेटा सबसे पहले तो ये कैसे हैं, इनके पास एपिडर्मिस है, सेकेंडली इनकी जो बॉडी वॉल है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं ओनली, बॉडी वॉल मस्क्यूलेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स ओनली, सुडोसिलोम प्रेजेंट है, ठीक है। और बेटा इसके अंदर मीजोडर्मल इन्वॉल्व है, ठीक है,
नो मस्क्यूलर इंटेस्टाइन, ये इनके अंदर यूनिक फीचर हैं। अब बेटा अगर हम बात करें एडवांसमेंट की फ्लैट वर्म्स जो हमने कल पढ़े थे उनके कंपैरिजन में इनमें क्या एडवांसमेंट है? एडवांसमेंट ओवर फ्लैट वर्म्स, तो बेटा इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उनके पास इनकम्प्लीट था। सेकेंडली इनकी जो बॉडी कैविटी है सिलोम, वो किससे? स्यूडो फ्लूइड से फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी। और बेटा इनके पास ये कैसे हैं? सेपरेट सेक्सेस हैं इनके पास, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में है एस्केरिस, ह्यूमन में डिजीज करता है ये एस्केरिस, इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म है, इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म है ये, ठीक है। और ये किसको अफेक्ट करता है? ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। इन्फेक्शन करता है कैसे? हमारी बॉडी के अंदर बेटा ये थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर एंटर कर जाता है, और ये कैसा है? एनारोबिक है, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी काम कर लेता है, ठीक है। तो बेटा ये एस्केरिस डिजीज करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है विचेरिया। सेकंड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो विचेरिया, ये भी बेटा ये फ्लेरियल वॉर्म है, और ये भी क्या करता है? ह्यूमन में डिजीज करता है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में पाया जाता है, इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में पाया जाता है, और ये क्या करता है? ह्यूमन लिम्फ वेसल्स, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ ग्लैंड, इनको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। ये यहाँ पर कहाँ पर रहता है? हमारी ब्लड वेसल्स में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और इन्फेक्शन क्योज करता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? मस्कीटो की वजह से, ठीक है। वुचेरिया वीवी पेरेस होता है, वीवी पेरेस ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। ये थी बेटा हमारी आज की फाइलम, फाइलम एस्केल्मेंथीज, ठीक है। तो इसको करना है आज, कल हम पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा, ठीक है।